Gurmati students, today we will revise exercise 2.1. Question number 1. Solve. First part is 2 minus 3 by 5. Second part is 4 plus 7 by 8. By seeing the question, you have to decide what you have to do. In this question, if you will see it, what you have to do is subtraction. So I am just solving first part. Equal to 2 minus 3 by 5, because here is one whole number, another is a fraction number. जब भी इस तरह का कोई number fraction number आएगा, उस case में हमें पहले इसका LCM लेना होगा. LCM लेने का तरीका सभी बच्चों को पता है. जो भी नीचे वाले दोनों part होंगे इसके, इसको solve करेंगे और LCM ले लेंगे. इस case में अगर हम देखेंगे, तो ये क्या बन जाता है इसके नीचे? I can put 1, क्योंकि 1 से अगर किसी भी number को हम divide करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो 1 एंड 5 का अगर एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा. ये सभी को पता है. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो क्या करना है, जो एलसीएम आया 5 को मैंने नीचे लिख दिया. अब नीचे वाला नंबर से जो भी इसका डिनोमिनेटर पार्ट है, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे. सो 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5. ऊपर वाले नंबर में जाकर के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा? 2 × 5. सभी बच्चों को पता होना चाहिए 5 कहां से आया, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्व करने के लिए दोनों का एलसीएम किया, एलसीएम 5 है. और एलसीएम लेने के बाद में जो डिनोमिनेटर पार्ट है उससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर वाले नंबर में उसको मल्टीप्लाई करेंगे. तो मैंने सेम किया, ये माइनस मैंने यहां पे रख दिया. अब 5 से 5 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा. सो 3 × 1. फार्मूला क्या है? दोनों का एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर पार्ट से इसको डिवाइड कीजिए, जो पार्ट आएगा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करके. ये सॉल्यूशन का इसका तरीका है. अब इसको इजी हो गया. 5 × 2 = 10 माइनस सेम रहेगा 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाय 5. 10 माइनस 3 7 बचेगा, 7 डिवाइडेड बाय 5. यहां पर भी छोड़ सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बिकॉज़ हियर इट इज अ इंप्रॉपर फ्रैक्शन. सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 × 5, 2 विल रिमेन, सो 2/5, 1/2/5 आंसर हो जाएगा इसका. कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए. इसी तरीके से अब हम लोग सेकंड पार्ट पर आते हैं. सेकंड पार्ट में क्या है, दो नंबर से उनको ऐड करना है, और नंबर से यहां पर फ्रैक्शन है. जैसे कि मैंने अभी बताया था, फ्रैक्शन में क्या करना है कि फ्रैक्शन वाला पार्ट आते ही हमें एलसीएम लेना पड़ेगा. आपको अगेन दोनों इसके नीचे भी मैं 1 से इसको डिवाइड कर सकता हूं, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर माय कैलकुलेशन, एक 1 है, दूसरा 8 है, तो निश्चित तौर पर एलसीएम कितना है? 8 ही आएगा. 8 आ गया. अब 1 से 8 को, जो कि मैंने कहा था डिनोमिनेटर पार्ट से इसको डिवाइड करेंगे, 1 से 8 को डिवाइड किया, 8 आएगा, और जो आएगा ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 × 3, ये वाला प्लस सेम रहेगा. अगेन सेम इसी तरीके से 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1, और ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 1. ये वाला पार्ट क्लियर हो जाना चाहिए. जितने बच्चों में क्लियर हो गया तो वो इस चीज को इजीली कर लेंगे. इसमें यही है, इक्वल टू 4 × 8 = 32 प्लस मैंने 8 उतार लिया, 7 × 7 और डिवाइडेड बाय 8. नाउ 32 + 7 = 39 डिवाइडेड बाय 8. अब अगर यहां पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पे देख रहे हैं ये इंप्रॉपर है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. और 8 × 4 = 32, 7 × 7 = 8. 4 × 7 = 8 is the answer हो जाएगा. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. तो जो भी बाकी का थर्ड फोर्थ पार्ट है उनको खुद से सॉल्व करिए. तरीका क्या है, दोनों जो भी डिनोमिनेटर पार्ट है उसका आपको सीधा एलसीएम लेना है. एलसीएम लेने के बाद में आपको जो भी नीचे वाला डिनोमिनेटर पार्ट है उससे इसको डिवाइड करना है, जो आएगा ऊपर वाले में इसको मल्टीप्लाई करना है. सेम दूसरे में करेंगे, उसके बाद में इक्वल प्रोपोर्शन बन गया, वो हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे. मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लेंगे, और जो भी सबट्रैक्ट ऐड करना है उस हिसाब से करके उसको सॉल्व कर लेंगे. बहुत ही सिंपल तरीका है, मेथड मैंने आपको बता दिया. बाकी के पार्ट जो भी होंगे वो आप अपने तरीके. फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट समझते हैं. 7/10 + 2/5 + 3/2. हियर आर थ्री नंबर्स, ऑल द थ्री आर फ्रैक्शन नंबर. सो अगेन मुझे एलसीएम लेना है. एलसीएम मैंने सॉल्व कर लिया, 10/2. 10/2, 2 से डिवाइड किया, 2 × 5 = 10, 5 × 5 आएगा, 2 × 1 = 1. नाउ दोनों नंबर 5 है, मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 × 1 = 1. तो मेरे पास जो 5 × 2 = 10, एलसीएम
क्रिमिनल लिस्ट बताने के लिए आपको समझाया, बाकी आपको आता है क्वेश्चन पेपर 10 एलसीएम रख लिया हमने। अभी मैंने क्या बताया था, नीचे वाले पार्ट से उसको डिवाइड करेंगे, तो 10 से 10 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 * 1 प्लस 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई होगा 4 * 2 सब 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 3 * 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 7 बन गया 7 * 2 सब 4 प्लस 5 3 सब 15 डिवाइडेड बाय 10। अब इधर की कुछ करना नहीं, इसको ऐड कर लेंगे 7 + 4 11 11 + 15.6 / 10। अगर आप देखेंगे और इजीली हम इसको 2 से काट सकते हैं 230 25 सब 10। अब ये इंप्रोपर है तो मैंने इसको डिवाइड करके लिख दिया 5 * 10 3/5। बहुत इजी है, बस केवल इसी पे ध्यान देना है। 3 नंबर्स का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने का तरीका जो मैंने बताया राइट साइड में, ठीक है ना, सबसे छोटे नंबर से पहले डिवाइड करिए फिर उससे छोटे नंबर से और उसको सॉल्व करते रहेंगे जहां तक वो हो जाए। ये आया नंबर एलसीएम आपका, जब एलसीएम आ गया तो नीचे वाले से इसको डिवाइड, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, बाकी सीधे इसको सॉल्व कर लेंगे और इसमें कुछ नहीं है। बाकी ये पार्ट जो भी है उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करिए। एग्जाम में इस तरह का एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, आपको जगह से क्या आंसर होगा, तो आपको एक रफ पेपर पर सॉल्व करना है, उसको लिखना है, बस दैट्स ऑल।